वाराणसी, काशी, बनारस, ये तीनों नाम अपने आप में एक सुकून का एहसास देते हैं। पतित पानी माँ गंगा के किनारे दो ऐसे घाट हैं जहाँ एक तरफ हम स्पिरिचुअलिटी को सेलिब्रेट करते हैं और वहीं दूसरी तरफ डेथ को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे घाट के बारे में जो सबसे पुराना घाट है और यहाँ से जुड़े बहुत सारी पौराणिक कथाएँ हैं, कुछ कहानियाँ भी हैं जिसको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे बस मेरा यही कहना है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी जानकारी को मिस ना कर सकें। तो हमारे वीडियो की शुरुआत होती है कुछ यहाँ से। हेलो दोस्तों, तो अभी हो रहा है सुबह के 5:30 और मौसम यहाँ पर कितना सुंदर हो चुका है कि आपको दिखा दूँ। अभी तक सनराइज भी नहीं हुआ है लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। और ये जो पुल है ये है नकी आर्ट पुल और मुझे इस रोड से जाते वक्त एक ही डर लगता है कि कहीं फाटक बंद ना हो। मतलब अमूना मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी इस रास्ते जाता हूँ तो फाटक बंद ही रहता है। फिलहाल ऐसे देखना है कि बंद रहता है या फिर खुला रहता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत सुबह जा रहा हूँ, कहीं जाम तो नहीं लगा के ना। होए 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 होए, ओहो आज तो एकदम खुला है भाई साहब, अनबिलीवेबल कि खुला है आज, नहीं तो वही 10 मिनट खड़ा रहना पड़ता। तो मैंने आपको बताया नहीं कि जब मैं जा कर रहा हूँ, वो थोड़ा सस्पेंस है, वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, जिस जगह मैं जा रहा हूँ ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है और वहाँ पर ज़्यादातर लोग आना चाहते हैं और वहाँ एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ समय वहाँ बिताना चाहते हैं। वैसे देखा जाए मैं कितना ज़्यादा इनरिस्पॉन्सिबल हूँ अपने इस साइकिल को लेकर। अभी ना कुछ देर पहले मैं रुका था तो वहाँ देखा कि हवा कम है। भाई साहब इसे कितना दूर दूर तक तो जा रहा हूँ घूमने के लिए पर मैं इसका केयर नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है। अब इसमें इतना सुबह सुबह तो कोई दुकान भी नहीं खुला होगा पंचर वाला, मतलब हवा भरने वाला, तो भरवा नहीं सकते इसमें। तो फिलहाल बस नज़रें दौड़ाते हैं कहाँ तक जाती है, मिल जाए उसमें पना भरा हवा भरा। हाय 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 हाय, तो ये है काल भैरव मंदिर और अभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज है शनिवार और इसका भी ब्लॉग आ ही चुका है जिसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। अब यहाँ की गलियाँ की कभी इतनी शांति है। सो आई थिंक मुझे ये बताया जो नहीं है ये कौन सा घाट है। और जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही होगी वहाँ सब देख सकते हैं कितनी सारी लकड़ियाँ को गाजा गया है, मतलब सरियाया गया है जो भी है। इन्हीं सभी लकड़ियों को बदौलत आपकी चिता को अग्नि दी जाती है। तो बस मेरा कहना यही है कि आप जब तक आप धरती पे हो तब तक आप हम्बल रखे रहो और लोगों से प्यार करो। और यहाँ पर आने वाले केवल देश से नहीं बल्कि विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पर, कुछ समय बिताते हैं, अपना यहाँ पर रुकते हैं, ठहरते हैं। तो ये है मणिकर्णिका कुंड जिसे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से खोदा था। तो आपको बता दें मणिकर्णिका घाट पर प्रतिदिन 200 से 300 शवों का दाह संस्कार किया जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी संख्या बढ़कर 600 भी हो जाती है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ क्यों वेट कर रहा हूँ उसका एक रीज़न है। तो कुछ देर पहले ना मणिकर्णिका कुंड पर गया था जहाँ पर एक पंडित जी थे, उनसे मैं कुछ जानना चाह रहा था कि मणिकर्णिका घाट बारे में उनकी क्या राय है और क्या कहानियाँ इसके पीछे है। फिलहाल उस समय वो पान खा रहे थे जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि चलो 10 मिनट बाद आना है। तो अभी कुछ टाइम हो चुका है, लगभग 10 मिनट हो चुका है, तो उनके पास चलते हैं और वो क्या कहते हैं इसके बारे में तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो अभी फिलहाल मैं पंडित जी के पास आ चुका हूँ तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं आखिरकार क्या कहना है उनका मणिकर्णिका घाट के बारे में। मैं कृपा शंकर द्विवेदी मणिकर्णिका घाट तीर्थ पुरोहित, ये मणिकर्णिका कुंड है, गंगा के पहले का ये मणिकर्णिका कुंड। तो इसकी क्या कहानी है मणिकर्णिका कुंड के बारे में? विष्णु भगवान ने अपने चक्र से इसको निर्माण किया, शिव पार्वती ने स्नान किया इसमें, स्नान के पश्चात शिव पार्वती ने तांडव नृत्य किया, शंकर भगवान का मणि और पार्वती जी का कुंडल इसमें गिरा, इसी से ये मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी इसका नाम पड़ा। 84 घाट में मुख्य घाट मणिकर्णिका। अच्छा, यहाँ पिंडदान को लेकर क्या वो है, जैसे यहाँ लोग जाते यहाँ पिंडदान करने के लिए आते हैं ना, तो उसकी क्या खासियत है? यहाँ पर लोग पितरों के लिए पिंडदान, तो यहाँ पर आने के बाद जो है पहले गंगा स्नान करते हैं, वही गीले कपड़े मणिकर्णिका कुंड स्नान,
पुनः गंगा स्नान, उसके बाद पिंडदान है, तर्पण है, श्राद्ध है, अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि यहाँ डेली लगभग 200-300 चिता जलती है ना, हाँ, तो उसके पीछे रीजन क्या है? हाँ, ये जलासेन घाट है, ये मणिकर्णिका के बगल में, वो मणिकर्णिका तीर्थ ये अलग है, वो जलासेन घाट अलग है, क्योंकि अगल बगल है इसलिए लोग उसको मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं, उसका नाम जलासेन घाट है। अच्छा, यहाँ की कुछ पौराणिक कथाएं भी है ना, तो उसका आज कुछ बताना चाहेंगे? पौराणिक कथा ये है कि यहाँ का शमशान का चिता कभी भुजता नहीं है, परमानेंट कोई न कोई यहाँ पर जलता रहता है, कभी आग यहाँ की ठंडी नहीं होती। और यही मणिकर्णिका कुंड के पास में ही महादेव रत्नेश्वर टेम्पल है, जिसके बारे में पंडित जी का क्या कहना है, आप उनके जुबान से सुनिए। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, रानी अहिल्याबाई होलकर की दासी ने इसको 350 साल पहले बनवाया, बुनियाद कमजोर होने से ये टेढ़ा हो गया। और आपको बता दें, इसी मणिकर्णिका घाट के पास में ही एक 2400 घंटे अग्नि जल देते हैं, जिसमें से ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो चिता को आग देना होता है तो उसी अग्निमंद से उसे लिया जाता है और वो 2400 घंटा जलता रहता है। और लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ जिसकी मृत्यु होती है उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। और ज़्यादातर हम लोग बचपन से रंग गुलाल से होली खेलते हैं ना, हम लोग को यही पता है, लेकिन क्या आपको पता है मणिकर्णिका घाट पर मसान की होली खेली जाती है? हाँ, मसान की होली, जो एकादशी के अगले दिन ही खेली जाती है, जो यहाँ के अघोरी होते हैं, जो चिता में से राख बच रहती है उसी से। और ये परंपरा लगभग बहुत सालों से चली आ रही है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और इसमें शामिल होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ की तो मसान होली काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसके बारे में मैंने पहले बात किया, और साथ ही यहाँ लोग डेथ को सेलिब्रेट करते हैं।